वालेकुम। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जस्ट टू एड्रेस जो हमारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो मुझे लोगों ने डिफरेंट व्हाट्सएप कर करके पूछे थे, तो मैं उनको एक वीडियो में एड्रेस कर रहा हूँ ताकि बाकी लोगों के लिए भी वो हल हो जाए। तो ये सबसे जो पहला क्वेश्चन था, जो जिन लोगों ने अभी तक इंस्टॉलेशन नहीं की, कि वो कह रहे हैं कि एक मैंने जो शुरू में पेज शेयर किया था इंस्टॉलेशन का, इट्स नॉट फाउंड, ये वाला आ रहा है, बाकी वो पेज अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये मैंने ग्रुप पे भी बता दिया था कि ऑलरेडी मैंने ड्रॉप बॉक्स पे भी और ये आपके LMS के पेज पे भी ट्यूटोरियल और उसका कोड दोनों के लिंक्स भेज दिए। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इस किस्म का आपके पास ये ट्यूटोरियल होगा, जो कि इंस्टॉल करके एक एग्जांपल रन करने तक का पूरा काम आपको करवा देगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, तो लेट से कि ये डन हो गया। दूसरा ये है कि उसका कोड नहीं मिला, तो वो जो कोड की जिप फाइल है, अगेन वो मैंने आपको भी बता दिया कि वो आपके इस जगह पर ये ट्यूटोरियल कोड के नाम से LMS पे भी पड़ी है, वो मेरे पास ये ड्रॉप बॉक्स फोल्डर पड़ा है, इधर भी मैंने उसको कॉपी कर दिया है, तो वो भी आप लोगों को अवेलेबल है, तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अक्सर कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि अच्छा, हमने इंस्टॉल तो कर लिया है, अब हमें कोड लिखने की जगह नहीं मिल रही, कोड किधर करें। तो उसके लिए बेहतर ये है कि इंस्टॉल करें आप नोटपैड प्लस प्लस और उसमें कोड लिखें। तो नोटपैड प्लस प्लस कैसे इंस्टॉल होगा, गूगल करें, फ्री सॉफ्टवेयर है, छोटा सा है, कोई इशू नहीं है। नोटपैड प्लस प्लस पे सर्च करेंगे, पहला लिंक आ गया डाउनलोड का, उसको आप क्लिक करें, तो ये आपके पास जो भी लेटेस्ट रिलीज वर्जन है इसमें देख लें कि आपकी 32-बिट मशीन है तो ये वाला इंस्टॉलर डाउनलोड कर लें, 64-बिट मशीन है तो ये वाला इंस्टॉलर डाउनलोड कर लें, और उस इंस्टॉलर को रन करके आपको इंस्टॉल करना आता ही हो, तो ये कोई इशू नहीं होगा। कोई भी सॉफ्टवेयर जिस तरह इंस्टॉल होता है कि सेटअप रन करें तो वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके पीसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपका ओपन कर भी लें तो वेरीलॉग फाइल्स कैसे उसमें खुलेंगी, क्योंकि आप वेरीलॉग को हो सकता है बाय डिफॉल्ट वो उससे एसोसिएटेड ना हो। तो मैं फॉर एग्जांपल अगर ट्यूटोरियल में जाऊँ तो ये फाइलें मेरे पास ऑलरेडी नोटपैड में ही एसोसिएटेड है, इसलिए मैंने डबल क्लिक करूँ तो नोटपैड में खुलती है। तो हो सकता है कि आपके पास ये इस तरह से ना आ रही हो और आप डबल क्लिक करें तो वो कोई और डायलॉग बॉक्स हो। तो इसका नॉर्मली तरीका ये होता है कि अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर के साथ इसको एसोसिएट करना हो तो आप राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद में जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको डायरेक्टली नोटपैड प्लस प्लस ना नज़र आ रहा हो तो आप मोर ऐप्स में जाएं, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। अगर इधर भी नहीं नज़र आता तो आप उसका पाथ इधर से भी दे सकते हैं कि लुक फॉर मोर, क्योंकि नॉर्मली आपके जिधर आपने इंस्टॉल किया होगा मोस्ट प्रॉब्ली प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ही आपने इंस्टॉल किया होगा, तो उसमें नोट प्लस प्लस और उसके जाके आप उसकी एग्जी का पाथ दे देंगे और ओपन इसको कर दें, तो ये आपके पास उसके साथ अफिलियट हो जाएगी। ठीक है, तो जिस तरह ये डायरेक्टली भी मैं करूँ तो वही काम हो रहा है, वहाँ से भी करूँ तो वही काम हो जाएगा। साथ इस चेक बॉक्स को अगर चेक कर देंगे तो इसका मतलब है कि हमेशा इसको इसी से ओपन करें, अगर नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि इस दफ़ा इस फाइल को इसमें ओपन कर दें, तो इसको चेक कर दें तो आपकी हमेशा के लिए एफिलिएशन बन जाएगी, और आइंदा अगर ये आइकन भी चेंज हो जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये नोट पैड प्लस प्लस में खुलना शुरू हो जाएंगी आपकी फाइलें। सो ये दूसरी चीज़ थी। तो यानी वायरल लॉग आई वायरल लॉग के साथ अपना एडिटर नहीं है तो आपको ये अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसमें आप लिख लें ये यूज़ कर लें तो बेहतर है। नोट पैड में भी कर सकते हैं लेकिन उसमें बात का तो जीप जीप से मसला आ जाता है। तो ये भी हो गया कि आपने कोड का एडिट करना था। तीसरा मसला लोगों को आ रहा है आई वायरल लॉग अनरिकग्नाइज कमांड का। ठीक है, सो मे बी जिस तरह अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोलूँ और मैं देखो, अगर मैं आई वायरल लॉग लिखता हूँ तो ये नीचे उसकी कमांड आ रही होती है। उसकी वजह ये है कि इसका पाथ सेट होगा, अगर पाथ सेट ना हो तो फॉर एग्जांपल मैं आई वायरल लॉग के बजाय कुछ स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ, तो अब ये ऐसी कमांड है जो उसको नहीं मिली, लेकिन आई वायरल लॉग डॉट एक्जी उसको मिल रही है। क्यों मिल रही है? अगर ये मसला आ रहा है कि आपको इस किस्म का लिखा आ रहा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने पाथ सेट नहीं किया हुआ। अगेन इस ट्यूटोरियल के अंदर पाथ सेट करने का तरीका गिवन है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि आप जिस पीसी पे जाएं, प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं और इधर आपके पास एडवांस सेटिंग्स के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल होते हैं।
इसमें यहाँ पे या तो ऑलरेडी एक पाथ का होगा, अगर नहीं है तो आप एक न्यू करें, यहाँ पर लिख दें पाथ और यहाँ पर लिख दें वेरिएबल का नाम, ठीक है। सो उसकी वैल्यू, वैल्यू क्या लिखनी है, जहाँ पर आपने वायरल लॉग इंस्टॉल किया है। जिस तरह अगर मैं देखूँ मेरे पास वायरल लॉग सी के अंदर इंस्टॉल्ड है, ये आई वायरल लॉग जो इंस्टॉल की थी, इसके अंदर से हमने दो पाथ कॉपी करनी है, एक सिंपल बिन का। इसका मतलब ये होता है, जब मैं पाथ में दे दूंगा कि जब मैं कहीं पे आई वायरल लॉग या कोई भी कमांड लिखूंगा तो वो डिफरेंट डायरेक्टरीज में जाकर ढूंढता है कि इस नाम की कोई एग्जी पड़ी हुई है कि नहीं। तो अगर हमने पाथ के अंदर ये नाम दिया हुआ कि ये फोल्डर एग्जिस्ट करता है पाथ में, तो उसको ये वाली एग्जी मिल जाएगी और उसके लिए कमांड अनरिकग्नाइज नहीं रहेगी। तो यहाँ से इसको करें कॉपी और अगर आप इस वैल्यू में पेस्ट कर दें, ठीक है। ये तब के अगर ये पहले से एग्जिस्ट ना करता हो, मेरे केस में ये पहले से एग्जिस्ट करता था क्योंकि कोई और पाथ भी गिवन था, ठीक है। तो अगर पहले से एग्जिस्ट करता है तो इसको डबल लिंक करें, ये मैंने इसके अंदर पाथ डाले हुए हैं, यानी कि अगर मैं इसको निकाल दूँ, मैं इसको लेट से डिलीट कर देता हूँ और ये वाले, तो हो सकता है आपके पास इस सिचुएशन में, अगर इस तरह से हो तो जब मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर आई वेरिलॉग लिखूंगा, सॉरी ये अभी पाथ अप्लाई नहीं हुआ, इसका मतलब है अगर अगर ये ओके कर देता हूँ मैं, ठीक है। सो पहले का लोगो अब ये कह रहा है कि इसको ये कमांड नहीं मिली बिकॉज पाथ वेरिएबल जो मैंने सेट था उसको मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैं उसको सेट अगर करना चाहूँ तो मैं पाथ में जाऊँगा, अगर नहीं है तो न्यू करूँगा, अगर है तो मैं इसको एडिट करूँगा, ठीक है। और इधर आके आप डबल क्लिक करें और इधर आप पेस्ट कर दें। क्या पेस्ट करना है, दो चीज़ें पेस्ट करनी है। एक चीज़ ये, इस पाथ का फ़ायदा क्या होगा कि जो आगे हमारी डबल क्लिक किया और कंट्रोल वी प्रेस करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। उधर से मैंने कॉपी किया था, कंट्रोल सी प्रेस किया था, अगर मैंने राइट क्लिक करके ना किया। ये पाथ की वजह से ये जो वी वी पी हम बाद में एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे और आई वायरल लॉग, इसका इसको पाथ मिल गया, मगर वी वांट अदर थिंग एज वेल कि हम वेव फॉर्म देख सकें। तो वेव फॉर्म जी टी के वेव जो है वो, उसके लिए आई वायरल लॉग के अंदर जी टी के वेव के अंदर भी इनका पाथ है, तो इसमें आपको जी टी के वेव डॉट एक्सी नज़र आ रही है, तो मैं जी टी के वेव रन करनी हो तो उसका पाथ भी देना। तो मैं ये भी यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये भी मैं जाके वापस कहाँ गए मेरे इनमें मैं डबल क्लिक करके कंट्रोल जी से मैंने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा पूरा पाथ हो गया। ये एक्चुअली बेसिकली एक पूरा पाथ होता है, फिर सेमी कॉलन, फिर एक और, फिर एक और, लेकिन जब आप एडिट करते हैं तो आपको वो अलग अलग करके नीट तरीके से निकालते हैं। अब मैंने पाथ दे दिए हैं, अब अगर मैं आई वायरल लॉग चलाऊँ तो मुझे कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करके दोबारा चलाना पड़ेगा अगर मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल चेंज किया। तो ये अब आपको ये बता रहा है कि किस किस तरह वायरल लॉग चल सकते हैं। ओके, तो ये एक क्वेश्चन और हो गया कि कहाँ से पाथ सेट करने हैं। ये आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये बहुत से प्रोग्राम्स में यूज़ होता है, आपके लिए काम आएगा। नेक्स्ट चीज़ है कि सिमुलेशंस को कैसे रन करना है, वो मैंने दूसरी वीडियो में कवर किया हुआ है, उसको भी देख लें, मैं थोड़ा सा दोबारा कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल ये वही ट्यूटोरियल का कोड है, तो मैं अब कमांड प्रॉम्प्ट में इस फोल्डर पे आना चाहता हूँ। तो एक तरीका ये है कि मैं कमांड प्रॉम्प्ट रन करूँ और डायरेक्टरी चेंज कर करके इधर आऊँ, लेकिन इसका शॉर्टकट ये है कि आप इधर शिफ्ट दबा कर राइट क्लिक करें, अगर कीबोर्ड पे शिफ्ट दबाया हो तो इधर ओपन पावर शेल आ जाता है। पावर शेल जो है ये विंडोज़ ने एक तरह का समझे कमांड प्रॉम्प्ट का एडवांस वर्जन बनाया है, जिसमें आप कमांड प्रॉम्प्ट वाले काम सारे कर सकते हैं। तो यहाँ से रन कर लें, वहाँ से रन कर लें, एक ही बात है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि मुझे डायरेक्टरी चेंज कर करके नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। तो मे बी इसके अंदर जिस तरह हमने जूम सेशन में भी किया था और ये जो ट्यूटोरियल में भी है कि ये टेस्ट बेंच फाइल है, इसको हम सिमुलेट करना चाहते हैं इस, तो इस वेरी लॉग में आपको तीन स्टेप करने पड़ते हैं, पहला कंपाइल, फिर उसके बाद रन और फिर उसकी वेव फॉर्म देखनी होती है, अगर आपने वेव फॉर्म देखनी। सो कंपाइल करने के लिए हम लिखते हैं आई वेरी लॉग, ठीक है, और उसके बाद जो सी फाइल हमने कंपाइल करनी है। तो फॉर एग्जांपल इस केस में टॉप लेवल फाइल है टेस्ट बेंच, सो मैं इधर अगर लिखना शुरू करूँ
टैब दबाएंगे तो ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं और ये टैब दबाते जाएँ तो ये डिफरेंट ऑप्शन है, तो मुझे ये टेस्ट में देना है, मुझे डॉट स्लैश की ज़रूरत नहीं है, लगा भी रहे तो कोई फ़र्क नहीं होता, इसका मतलब है इसी डायरेक्टरी वाली। तो ये मैं अगर करूँगा तो ये कंपाइल हो जाएगी, ठीक है। मैं इधर से इस फोल्डर में जाकर अभी फ़िलहाल ए डॉट आउटपुट डालता हूँ, क्योंकि कंपाइल के बाद जो है एक आउटपुट फाइल बनती है, ये मैंने बनाया। अब आप आके देखें इधर ए डॉट आउट आ गई है खुद ब खुद, ठीक है। यू आप इधर आके वो देख भी सकते हैं कि डायरेक्टरी में क्या क्या पड़ा है, बजाय उधर आके देखने के आप इधर भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्टरी में ए डॉट आउट पड़ी है, ठीक है, उसका सारा वो डिटेल कमांड प्रॉम्प्ट में। लेकिन नॉर्मली हम इसके बजाय नाम इसको भी हम रन कर सकते हैं, रन करने का ये पहला स्टेप था कंपाइल, रन करने के लिए आप लिखते हैं वीपी और फिर आप लिख देते हैं ए डॉट आउट, तो ये रन हो जाएगी। लेकिन नॉर्मली क्योंकि ये वीवीपी रिलेटेड है, यानी इसको रन करने वाला जो वेरिलॉग का रन करने की फाइल है, तो हम चाहते हैं कि जब हम कंपाइल करें तो बजाय वो ए डॉट आउट के नाम के बनाए हम डॉट वीवीपी बना दें, जिस तरह ये पड़ेगी। तो लेट्स से कि मैं इस वाली वीवीपी को उड़ा देता हूँ, ये पहले की बनी हुई थी, और अब मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं साथ वीवीपी फाइल बनाऊँ, ठीक है। तो मैं माइनस ओ लिख के बता सकता हूँ कि मुझे आउटपुट क्या चाहिए, तो मैं चले मैं नाम डिफरेंट रखूँ टेस्ट डॉट वीवीपी। तो इससे अब अगर मैं दोबारा देखूँ इस जगह पे, तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर एक टेस्ट डॉट वीवीपी पड़ी है, ठीक है, और यहाँ पर भी आप आके देख सकते हैं सेम चीज़ है, ठीक है। चाहे यहाँ देखते हैं वहाँ देख लें, सी एल एस से मैंने क्लियर की इसकी। अब मैं इसको रन करना चाहता हूँ, रन करने के लिए तो नेक्स्ट स्टेप था कि रन कैसे करें, यही अगला क्वेश्चन था। तो हमने कंपाइल कर लिया, दूसरा ये होगा कि वीवीपी फाइल बाज़ का था मुझे नहीं मिल रही, तो वो क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि आपने उसका नाम नहीं दिया होगा मोस्ट प्रॉब्ली, जिस तरह मैंने पहली दफ़ा कंपाइल किया था, तो वो बजाय भी इस तरह अगर आपने किया है तो ये इसमें वो आउटपुट का फाइल वीवीपी नहीं बनेगा, बल्कि फाइल का नाम ए डॉट आउट होगा। लेकिन अगर आपने इस तरह कोई नाम दे दिया उसको, ठीक है, चाहे सेम नाम दे दिया हो, एग्जाम्पल 1TB जिस तरह उन्होंने कहा हुआ था, अगर आप ट्यूटोरियल में देखेंगे जो, तो ये वाला जो नाम है दिस विल बी योर आउटपुट ऑफ कंपाइलेशन, और अगर आपने इसकी एक्सटेंशन डॉट वीवीपी दी है तो ये वीवीपी होगी, नहीं दी तो जो सा भी आपने नाम दिया है वही चीज़ बन गई। तो ये इस वजह से बात लोगों को वीवीपी फाइल नहीं मिल रही, ये भी हो गया। रन कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि मैंने ये जो टेस्ट डॉट वीवीपी बनाई है, अगर मैंने इसको रन करना हो तो जस्ट राइट वीवीपी टेस्ट डॉट वीवीपी, और अगर आप इस टेस्ट बेंच का कोड देखेंगे तो इसके अंदर यही हो रहा है कि इसके अंदर ये डिस्प्ले हो रहे हैं 8 दफ़ा डन टेस्टिंग, और फिर एक परसेंट डी के की वैल्यू आप लिखवा रहे हैं, के जो है वो इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो ये आपको सॉरी पावर शेल में जाएं तो ये आपको 0 से लेकर 7 तक वैल्यू इसी तरह नज़र आ रही है, ठीक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था जी वेवफॉर्म कैसे व्यू करें। तो हमने जो GTK वेव का भी पाथ सेट किया था वो वेवफॉर्म व्यूअर है, दो तरीके हो सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि आपको एक VCD फाइल बनानी पड़ती है, और वो टेस्ट बेंच के अंदर अगर आप देखें तो ये दो लाइनें जो है ये काम कर रही हैं। ये मैंने अपने लेक्चर में भी कवर किया हुआ था, जो पहले मैंने शेयर किया वीडियो, उसमें आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर आपने एक फ़ाइल का नाम देना होता है कि VCD फाइल का नाम क्या होगा, और दूसरा आपने बताना होता है कि आपने किस मॉड्यूल को डंप करना है। इस केस में हमने टेस्ट बेंच मॉड्यूल को डंप करना है, किस लेवल तक डंप करना है, सिर्फ एक लेवल जाना है, दो लेवल जाना है, 0 से मेरा ख्याल है कि ये सारे लेवल जितने भी इसके अंदर, यानी लेवल से मुराद ये है कि इसके अंदर अगर एक और मॉड्यूल है एग्जांपल 3.1 का, तो ये असल में एक और फाइल में लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसी फोल्डर में हमारे पास एग्जाम्पल 3.1.v पड़ी हुई है, तो ये वो वाली फाइल है। तो क्या ये वाले सिग्नल्स भी वेवफॉर्म में डंप करने हैं या सिर्फ टेस्ट बेंच के करने हैं? अगर मैं 1 लिखूंगा तो वो सिर्फ टेस्ट बेंच के करेगा, 2 लिखूंगा तो इसके भी करेगा, उसके भी कर देगा। अगर 0 लिखूंगा तो वो, अगर उसके अंदर कोई और मॉड्यूल होता तो उसके भी कर देता, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। तो इनकी वजह से अगर आप इधर प्रिंट में देखें तो सबसे पहले उसने बताया कि मैंने एक VCD फाइल ओपन की है, जो भी हमने नाम इधर दिया हुआ था, तो ये सेम नाम है, ये ओपन हुई है और ये बन गई है, ठीक है। तो अगर मैं इस फोल्डर में देखूँ कि क्या क्या पड़ा है, तो इधर आपको एक VCD फाइल भी नज़र आ रही है, जो कि अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1:28 हुए, 1:26 में 2 मिनट पहले मैंने इसको चलाया था, तो ये उस वक्त बनी। इसको व्यू करने के लिए दो तरीके हैं, एक आप ये है कि GTK वेव खोल लें सिंपली,
और उसके सॉरी जी टी की वेव था, ठीक है, खोल लें और इसके अंदर आप आकर ओपन करें और उसके अंदर वो वीसीडी फाइल ओपन कर लें, ये भी कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली इधर से करना चाहें, मैं इसको क्लियर कर लूँ, तो आप जी टी के वेव स्पेस आप इस ये वाली डायरेक्ट इसके बाद नाम दे दें तो ये भी खुल जाएगी, ठीक है। दोनों केसेस में ये वेव फॉर्म खुल जाएगी। आप इसमें इसको देखने के लिए आपको सिग्नल्स ऐड करने पड़ेंगे, जिसके लिए रिकर्सिव इम्पोर्ट का मतलब है कि इसके और इसके मॉड्यूल्स के सारे सिग्नल उठाकर इसमें अपेंड कर दो, ठीक है। तो अपेंड का मतलब होगा कि अगर पहले से कोई होते तो उसके आगे करता, इंसर्ट से प्रॉब्ली अगर यानी मैं अगर दोबारा करूँगा तो वो इसके नीचे अपेंड कर देगा, इंसर्ट से मेरा ख्याल है कि वो शुरू में इंसर्ट करेगा या पिछलों को रिप्लेस करेगा, मुझे एग्जैक्ट इसका वो करती है, रिप्लेस अगर मैं कर दूँ तो वो शायद पिछलों को रिप्लेस करके सिर्फ एक दफ़ा ऐड कर देगा, तो आई डोंट नो, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल आप इन सब को पकड़ के डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, ये मैंने बहुत दफ़ा ऐड कर दिए, तो आई कैन जस्ट डिलीट, ठीक है। तो ये मेरे पास अब एक दफ़ा किया गया, इनको भी लेट से मैं डिलीट कर देता हूँ और दोबारा एक दफ़ा मैं सिंपली अपेंड कर देता हूँ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपेंड करना चाह रहे थे। ये दूसरी चीज़ है कि अब इसको कैसे देखना है व्यू, तो नॉर्मली हम सबसे पहले जाते हैं कि फुल व्यू देख लें, तो ये फुल व्यू दिखा देता है, तो ये पूरी सिमुलेशन जहाँ से जहाँ तक चली है ये वो है, मुझे नहीं पता ये जो भी काम कर रहा था सर्किट ये उसकी आउटपुट से, ठीक है। सो आप इसको देख सकते हैं और आई थिंक ये आपका, आपने जब अपना सर्किट बनाया होगा तो देन यू विल नो कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है, उसमें हर क्लॉक साइकिल पे क्या आउटपुट आनी चाहिए थी वो आप देख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया हाउ टू व्यू वेव फॉर्म, दोनों तरीके मैंने बता दिए, जूम इन जूम आउट का भी मैंने बता दिया। किसी जगह पर जूम करना हो तो आप एक क्लिक करें, जूम करना शुरू करें तो उस कर्सर के अराउंड जूम इन करना शुरू हो जाएगा, जूम आउट करना शुरू हो जाएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप अपने फर्स्ट ऑफ ऑल फुल जूम कर लेंगे, फिर देखेंगे कि जी मुझे तो इस जगह पर कोई मसला आ रहा है, इस जगह पर जूम करना है, उधर कर्सर रखा, जूम इन किया, जूम आउट किया, दैट्स नॉर्मली व्हाट वी डू। और भी चीज़ें हैं जो कि आप जूम टू एंड करेंगे तो एंड पे चला जाएगा एंड सो ऑन, अभी फुल जूम हुआ था लेकिन अगर मैं ना करूँ तो एंड पे चला जाएगा, तो ये आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप माशाल्लाह इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है, इसको बंद कर लें। ओके, सो ये हमारे क्वेश्चन इसके हो गए। नेक्स्ट रह गया कि असाइनमेंट में क्या करना है और वो सबमिट क्या करना है। असाइनमेंट अगर मैं खोल लूँ तो मैंने एक आपको सर्किट पहले से दिया हुआ है, तो देर इज़ नो डिज़ाइन पार्ट इन इट, डिज़ाइन ऑलरेडी हुआ हुआ है। अगर आप वो लेक्चर देखेंगे कि पिछला, तो उसके अंदर मैंने कवर किया हुआ है कि रजिस्टर फाइल कैसे बनती है, आप एड्रेस दें तो डाटा आउट आना चाहिए, राइट डाटा इन और एड्रेस दें तो जिस जगह पर जिस रजिस्टर नंबर पर मैं लिखवाना चाहता हूँ वो मैं एड्रेस में बता दूंगा 0, 1, 2 या 3, डाटा क्या लिखवाना चाहता हूँ और राइट का सिग्नल आ रहा हो तो उस पॉजिटिव क्लॉक के ऊपर इसके ऊपर लिखा जाएगा। तो अगर आपने वो वाले लेक्चर देखे हैं तो आपके लिए ये काम बहुत इजी होना चाहिए। यू जस्ट नीड टू मेक अ मॉड्यूल जिसका नाम आपको बताया हुआ है कि रेज फाइल लिख रहे हैं, ठीक है, मॉड्यूल का नाम रेज फाइल रख दें, उसकी ये इनपुट्स हैं, ये आउटपुट है, क्लॉक और रीसेट इसके अलावा होंगे, फिर आप इसका कोड लिखना शुरू कर दें। आपने अगर उसमें पढ़ लिया होगा तो मक्स का कोड लिखने का तरीका भी बताया हुआ है, डी मक्स का कोड लिखने का तरीका भी बताया हुआ है, रजिस्टर्स का कोड लिखने का भी बताया हुआ है, तो आपके ये जो जो एक इसका ब्लॉक हो जाएगा, इसका हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा और आपका ये कोड पूरा लिखा जाएगा। फिर एक और फाइल आपने बनानी है टेस्ट बेंच डॉट पी, तो जिस तरह हमने इधर पावर शेल में आकर टी बी एग्जाम्पल 3 को सिमुलेट किया, उस तरह आप इसकी टेस्ट बेंच वाली फाइल को करेंगे। टेस्ट बेंच लिखना भी मैंने जो दूसरी पहले वीडियो मैंने बनाई हुई थी सिमुलेशन की, वेरलॉग सिमुलेशन वाली जो व्हाट्सएप ग्रुप पर ऊपर शेयर होगी, उसमें आपने वो देख लें, उसमें हमने काउंटर का टेस्ट बेंच लिखा हुआ है जस्ट लाइक दिस। आपने ये करना है, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिन्होंने नहीं कल थे क्लास में वो उनके लिए मैं दोबारा कर देता हूँ कि आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने चार डिफरेंट नंबर्स, कोई से चार डिफरेंट नंबर्स इन रजिस्टर्स पर लिखवाने, ठीक है, चार कंजेक्टिव साइकिल। सो इसका मतलब है कि आप हर क्लॉक साइकिल पर एड्रेस चेंज करेंगे 0, 1, 2 और 3, जिस तरह भी आप करना चाहें और जिस ऑर्डर में भी, और उसमें आप वैल्यूज़ दे देंगे जो भी वैल्यूज़ आप इस जगह इसके ऊपर लिखवाना चाहते हैं।
ठीक है, तो मे बी मैं कहता हूँ 100, 500, 300, 600, ठीक है, तो आप अप टू, क्योंकि 16 बिट है तो अप टू 32K के करीब करीब तक की वैल्यूज आप जा सकते हैं। सो आई वुड से कि आप 10-15K तक, 10-15 हज़ार तक कोई भी वैल्यू इस पर लिखवा दें, उससे ऊपर ना जाएंगे क्योंकि उसमें थोड़े से कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो जिस उस उनको डिबग करने के बजाय हम एक्चुअली चलाना चाहेंगे। तो चार कंजेक्टिव साइकिल्स में, यानी कोई गैप नहीं देना, चार साइकिल भी आपके अपने राइट को वन करना है और साथ साथ वैल्यूज दे देंगे। फिर 10 साइकिल इंतजार करें, ये भी मैंने कवर किया हुआ है कि 10 साइकिल कैसे इंतजार करते हैं। फिर उसके बाद उस वाले सिमुलेशन वाली वीडियो में फिर आप क्या करें, उसके बाद रीड करें चारों को। तो रीड करने के लिए आपको इसमें चार दफ़ा एड्रेस देना पड़ेगा, 0, 1, 2 और 3। 0 तो पहले ही दिया होगा आपने, मोस्ट प्रॉब्ली 2, 1, 2, 1 रीड दे दें। तो चार कंजेक्टिव साइकिल्स में आपके पास डेटा आउटपुट पर वही वैल्यूज आनी चाहिए जो आपने लिखवाई थी। ये आपने वेव फॉर्म में जूम इन करके देखना है कि अच्छा, जब मैं 1, 2, 3 रीड एड्रेस दिया था तो डेटा आउट वही आ रहा था जो मैंने लिखवाया था, या कहीं गलत वैल्यू तो नहीं आ रही। गलत वैल्यू आ रही है तो वेव फॉर्म में जाके देखें और कोड में जाके देखें कि यार यहाँ पर जो मैंने कोड लिखा है उसमें क्या गड़बड़ है जिसकी वजह से वो गलत वैल्यू आ रही है। तो कुछ गलती होगी तो वो गलत वैल्यू आ रही है, अदरवाइज वो ठीक वैल्यूज आ रही है। फिर आप 10 साइकिल मजीद इंतजार करें और दोबारा चार और वैल्यूज लिखवाएं चारों रजिस्टर्स पे। लेकिन अब आपने हर दफ़ा लिखवाते हुए, एक दफ़ा लिखवाया 5 साइकिल का इंतजार किया, दूसरी दफ़ा लिखवाया 5 साइकिल का इंतजार, और ये काम आपने रीड करते हुए भी करना है। एक दफ़ा लिखवाया 5 साइकिल का इंतजार किया, तो ये आपका टोटल होगा। इसको वेव फॉर्म पर आपने देखना है, वेव फॉर्म पर वेरीफाई करना है कि ये नई 5 वैल्यूज लिखवाई थी क्या वही रीड हुई हैं या नहीं। अगर वो रीड सही सही हुई है, इसका मतलब है कि अब आपका ये चार भी सही रीड हुई है, ये चार भी सही है, इसका मतलब है कि आपका कोड सही काम कर रहा है। जब आपको वो तसल्ली हो जाए कि वो सही तरीके से काम कर रहा है, तो तब आपने ये असाइनमेंट सबमिट कराना। ओके, सो ये हो गया कि करना क्या है। दूसरा है कि सबमिट क्या कराना है। सबमिट कराने के लिए आपको ऊपर लिखा हुआ है कि आपने tb.hfile.b और hfile.b, यानी जो इसका वेरीलॉग मॉड्यूल का कोड और टेस्टमेंट का कोड, वो दोनों आपने लिख के जमा करा। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि एक फोल्डर बनाएं, उसके अंदर ये दो फाइलें बनाएं, ठीक है, वेरी इजी। मैं आपको छोटा सा डेमो दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं अगर न्यू फोल्डर बनाऊँ जिसमें मैं कहता हूँ असाइनमेंट 6 लेट से, और इसको खोल लूँ, इसके अंदर मैं कहता हूँ एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना दें, ठीक है। अच्छा, अगर आपके इधर डॉट टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है इसके लिए। लेकिन मैं लेट्स से इसको कहता हूँ hfile.b, इसको उसने का एक्सटेंशन चेंज कर दें, मैंने कहा कर दें, इसको खोलूँगा, यहाँ पर अब मैं कोड लिखना शुरू हो जाऊँगा, जो भी मॉड्यूल hfile और एंड सो ऑन, ठीक है, इनपुट और वो सारा कोड आप इसमें लिख लीजिए। इसी तरह एक और मैं फाइल बनाऊंगा, view text फाइल, आपके यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा होना चाहिए जिसको आप चेंज करेंगे .p में, लेकिन मैं इसको लिख देता हूँ tb.hfile.b, ठीक है। तो उसने ये एरर मैसेज था कि क्या वाकई एक्सटेंशन चेंज करना है, तो ये खोलूँगा और इसमें मॉड्यूल tb_hfile, और उसमें कोई इनपुट आउटपुट नहीं होती है, और एंड मॉड्यूल, और इस तरीके से दरमियान में वो क्लॉक जनरेट किया, इनपुट दी, और वो जो सारी आपको डिटेल्स बताई। अच्छा, इसमें जो एक गड़बड़ आ सकती है, जो अच्छा हुआ कि मैंने लिखते हुए मुझे याद आ गया कि हो सकता है कि जब आप फाइल बनाए टेक्स्ट फाइल तो वो डॉट टेक्स्ट लिखा ना आ रहा हो। उसकी वजह ये है कि व्यू में आप जाएँ तो यहाँ कहीं पर फोल्डर ऑप्शन होंगी, ये जो आ रही है फाइल नेम एक्सटेंशन, ये हो सकता है आपके पास इस तरह का हो, तो आपको ये इस तरह नज़र आ रही होगी। यहाँ पर लिखा होगा वी फाइल, लेकिन यहाँ पर एक्सटेंशन ही नज़र आ रही होगी। इसके बजाय आप इसको फाइल एक्सटेंशन कर दें, ताकि आपके पास वो जो डॉट टेक्स्ट लिखा था वो नज़र आ रहा हो और आप उसको चेंज करके डॉट वी कर सकें। तो ये आई थिंक दैट्स इट, ये आपका फोल्डर है। इसमें आप, यानी कि मैं अगर शिफ्ट करके पावर शेल खोलूँगा, ये पूरा आपने कोड लिख लेना है, उसके बाद पावर शेल विंडो खोलनी है और वही काम करने हैं जो कि हमने पहले किया हुआ था, कि हमें डट से आई वेरीलॉग और इसके आगे क्या नाम रखा tb.hfile। तो अभी क्योंकि वो उसमें कुछ भी नहीं है, तो एरर आना चाहिए या कुछ, उसने कह दिया नो टॉप लेवल। तो आपके जो एरर आएंगे वो जब आप ये
रन करेंगे तो आपको नज़र आ रहे होंगे, उनसे आपने अंदाज़ा लगाना है गड़बड़ कहाँ पर हुई है। वो बता रहा होगा कि जी फ्लान लाइन पे तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, इस वक्त वो कह रहा है कि आपने कुछ बताया, मैंने सेव ही नहीं की, ठीक है। वो कह रहा है कि कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो मैं सेव कर लेता हूँ, और सेव करूँगा तो कोई और एरर दे देगा, ठीक है। अब वो उसने कंपाइल कर दिया क्योंकि उसके अंदर कुछ था ही नहीं, तो रन करूँगा तो कुछ होगा भी नहीं क्योंकि सिग्नल ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें सारी डिटेल्स डाल दूँ और फिर इसी तरह कंपाइल करूँ, उसके बाद रन करूँ, और उसके बाद ये फॉर्म में देखूँ तो असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैं रखता हूँ बेस्ट क्लास फॉर योर असाइनमेंट।